हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, ये वाला ब्लॉग मैं अकेले शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल मेरे साथ कोई नहीं है। ये वाला ब्लॉग शूट करने का रीज़न ये है क्योंकि आज मैं आप लोगों को दो ऐसे नए चेहरे से मिलवाने वाला हूँ जो कि यूट्यूब वीडियोस क्रिएटर हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, आप लोगों को इंटरटेन करता हूँ, वैसे वो भी वीडियोस बनाते हैं। और दोस्तों, वो हमारे जौनपुर ज़िले से ही बिलोंग करते हैं और उनकी जर्नी इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो चलिए, इस ब्लॉग पर अगर आप लोग नए हैं तो ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए, आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ, ये देख सकते हो लोकेशन कुछ ऐसा है। अभी वो जगह है जहाँ पर दो नए चेहरे से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। ये रहा कुछ इस तरीके का लोकेशन है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अंदर और उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। गाइस, फिलहाल वो घड़ी आ चुकी है और हम लोग अब मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे यूट्यूबर से, मतलब जो कि हमारे जौनपुर ज़िले से ही बिलोंग करते हैं। और ये देख सकते हो आप लोग, ये हैं रईस भाई और मुज्जम भाई। तो इनसे आप लोगों की जो बात कराते हैं, मतलब एक आप लोगों को मोटिवेशन मिले जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे भाई लोग अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, आज इनके चैनल पर अच्छे खासी ऑडियंस भी है, तो एक आप लोगों की बात भी करा देते हैं आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैठे हुए हैं हमारे, मतलब जितने भी भाई यूट्यूब पे काम करते हैं, जैसे कि ये हो गए सलमान, रईस भाई, और इनसे भी आपकी बात कराएंगे। और ये रहे मुज्जम भाई, जिनसे कि हमारी मुलाकात हो चुकी है, एक वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं मुज्जम भाई और हम लोगों की जो है बात हो चुकी है। और ये भाई तो अपनी गोल में रहते हैं, ऐसा सिद्दीकी शायर जो कि शायरी उरी बोलते हैं। तो चलिए आइए, हम आज जो हैं दो यूट्यूबर हमारे बीच में हैं, तो इनसे कुछ पूछते हैं कि ये अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट किए। तो गाइस, यहीं पर बैठते हैं और जो है इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले रईस भाई जो कि चितारे से बिलोंग करते हैं और आजमगढ़ ज़िला इनका है। तो और मुझे तो आप लोग जानते हैं मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले रईस भाई से हम पूछते हैं कि यूट्यूब जर्नी जो है, तो रईस भाई सबसे पहले ये बताइए कि आप यूट्यूब जब चैनल क्रिएट किए तो आपको मोटिवेशन मिला कहाँ से ये? जी, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं जो है सऊदी में था। हाँ। और तब मैं यूट्यूब जो है सिर्फ मतलब उस पर वीडियो देखता था। हाँ। और मतलब उस पर कॉन्टेंट नहीं डालता था। हाँ। लेकिन मैं बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर को देखता रहा। हाँ। जैसे कि मनोज दे को, जब उससे 1 सब्सक्राइबर थे तब से मैं उसको देखता आ रहा हूँ, मनोज दे की वीडियो को, और तब से देखता आ रहा हूँ। तब से जो है देखते देखते फिर मैंने खुद एक बात और कि मनोज दे की जो वीडियोस है, मनोज दे सर की, उनकी वीडियोस मैं भी देखता हूँ और रईस भाई भी ने देखा, मोटिवेशन मिला तो वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। और रईस भाई, अब आगे की जो जर्नी है आप कैसे स्टार्ट किए थे? तो आगे की जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि जो है मैंने पहले एक चैनल बनाया, लेकिन इस पर काम करता गया, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से उस चैनल को मुझे बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद मेरा व्लॉग का चैनल जो रईस व्लॉग नाम से है उसको बनाया। और रईस भाई, ऐसा अक्सर लोगों के साथ हो जाता है कि जब मतलब उनको चैनल पे एक्टिविटी कैसे करना है, मतलब कैसे यूट्यूब वीडियोस बनाना है, थंबनेल बनाना है, ये सब चीज़ें नहीं आती तो अक्सर उनको एक चैनल खराब ही करना पड़ता है। जी, होता ऐसा है, बहुत से लोगों के साथ में जब कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है तो वो खराब नहीं होता है, खराब कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ सीखने को मिलता है। वो आप सोचिए कि वो आपका ख़राब नहीं हुआ, वो आपको सीखने को मिला है। सीखने के मिलने के बाद अब तब जाके आप जब फिर से खड़े होंगे ना तो बहुत ही अच्छा खड़े होंगे, तब लगड़ा के नहीं चलेंगे, पूरी तरह से अच्छे से चलेंगे। नहीं, सही। तो कोशिश करते रहिए और जो है YouTube पर लगे रहिए, ये आपको जो है साथ देगा YouTube। YouTube बहुत ही अच्छी एक लाइन। तो चलिए गाइज, रईस भाई से तो आप लोग मिल लिए और यहाँ पर एक और यूट्यूबर हैं जो कि अपनी जर्नी अभी स्टार्ट की हैं, जिनके चैनल पे 500 प्लस सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। तो रईस भाई, आपका जो कीमती वक्त है देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सितारे से आप यहाँ आए और हमारी मुलाकात हुई यूट्यूब के ज़रिए। तो अब चलते हैं मुज्जम भाई के पास और ये रहे मुज्जम भाई। तो मुज्जम भाई
से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुअज्जम भाई का भी एक YouTube चैनल है, तो मुअज्जम भाई आपने जो YouTube से वीडियोस बनाना सीखा है और चैनल जो क्रिएट किया है, ये मतलब मोटिवेशन मिला आपको कहाँ से? देखिए जहाँ तक रही ब्लॉग की, तो मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ, मैंने खुद से सोच के ये डिसाइड किया कि मैं भी यूट्यूब पे आऊँगा, कुछ अच्छे क्रिएटर के रूप में शायद हो सकता है फ्यूचर में, अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। तो और मुअज्जम भाई, जैसे कि मतलब आपने कहीं से मतलब आपसे किसी की वीडियो से नॉलेज नहीं ली, मतलब आपका खुद का एक मतलब एक्सपीरियंस रहा कि मतलब मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ और वीडियोज बनाऊँ, ऐसा ही ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो पहले तो वीडियो देखा करते थे, मतलब एक शौक था यूट्यूब पे आने का। तो अगर पहले से स्टार्ट किया होता, वही चीज़ हम नोटिस करते हैं कभी कभी, अगर पहले से स्टार्ट किया होता तो आज कहाँ से कहाँ होता। हाँ तो गाइज अभी हम जो है मुअज्जम भाई से, जैसे मतलब इनका एक्सपीरियंस क्या रहा यूट्यूब पे, तो ये यूट्यूब से अगर आप लोग कोई नॉलेज देना चाहते हैं, जैसे मेरी ऑडियंस देखती है और मेरी ऑडियंस में किसी को अगर यूट्यूब चैनल फ्यूचर में क्रिएट करना हुआ, तो मुअज्जम भाई का क्या कहना है, इनका क्या राय है, तो एक राय इनसे भी ले लेते हैं। मुअज्जम भाई कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, जैसे मतलब यूट्यूब में वो क्या कर सकते हैं। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस फील्ड में दिलचस्पी लेते हैं। हाँ कौन सी फील्ड उनके ऊपर सेटल होते हैं, तो वो चाहे तो ब्लॉग भी बना सकते हैं क्योंकि सबसे आसान। हाँ अगर जैसे हमारे रईस भाई की तरह अगर टेक चैनल खोलेंगे तो महीने दो महीने चार महीने में फेल हो जाएंगे। हाँ। छोड़ देंगे, वापस से ब्लॉग में आ जाएंगे, तो सबसे आसान ब्लॉग है, आइए हमारी तरह बिल्कुल स्टेशन में बैठ, हमारी तरह मुअज्जम भाई की तरह और इधर रईस भाई की तरह, और हमारा सलमान भाई जो कि चैनल क्रिएट था, और इधर जो है असद भाई। तो आई होप दोस्तों आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियोस अच्छी लगी वीडियोस को कर देना लाइक, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत ही हार्ड ब्लॉग में, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं एल्बम सॉन्ग शूट करने। और मुअज्जम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और रईस भाई का भी। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एल्बम सॉन्ग शूट करने, और यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, असद भी आ गया है, इधर रईस भाई है, मुअज्जम भाई है, इधर सलमान है, और मैं हूँ। तो गाइज वीडियोस पे नए होंगे वीडियोस को कर देना लाइक, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।